टू टू फोर्टी सेवन ये क्या है ये एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है विच इज एन ऑटोबायोग्राफी अगेन लास्ट जो कॉम्प्रीहेंशन मैंने आपके साथ किया था वो भी ऑटोबायोग्राफी थी और अगर आपको मेरा लेक्चर याद हो तो मैंने आपको ऑटोबायोग्राफी की डेफिनेशन भी दी थी ऑटो मीन्स सेल्फ एंड बायोग्राफी मीन्स लाइफ हिस्ट्री तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है वो कहानी जो इंसान ने खुद अपनी जिंदगी के बारे में लिखी हो याद है मैंने इसकी उर्दू क्या बताई थी सवान हयात ठीक है तो इसी ऑटोबायोग्राफी के सिलसिले में आज हम सेकेंड ऑटोबायोग्राफी में से एक एक्सर्प्ट पढ़ रहे हैं विलेज स्कूल ठीक है अब दिस एक्सर्प्ट इज़ अबाउट अ विलेज स्कूल इन नाइनटीन ठीक ठीक है 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 दिस इज़ द सेंचुरी सेंचुरी 1900 से 20th शुरू हो जाती है, है? हम लोग किस में ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में एक सेंचुरी पहले की बात है ठीक है इस ऑटोबायोग्राफी को पिक किया है साइटर रोज एक बुक है साइटर रोज जो कि लिखी है लॉरी ली ने लॉरी ली वॉज अ राइटर और उसने अपनी ज़िंदगी की कहानी अपनी सवान हयात अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है साइडर विद रोज ही वॉज बॉर्न इन ग्लाउसस्टर शायर ठीक है वो ग्लाउसस्टर शायर में पैदा हुआ था वो बुक राइटर था वो ऑथर था और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑटोबायोग्राफी है उसकी क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे नाइनटीन हंड्रेड like के लाइक 20th सेंचुरी के स्कूल और आपके ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के स्कूल तो यू विल सी द डिफरेंस। आपको पता चलेगा कि कितने ब्लेस्ड हैं आप लोग ठीक है थोड़ा सा मैं कहानी को एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड देन आई मूव ऑन विद वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे ठीक है द स्टोरी इज जो एक्सेप्ट है आपका वो लॉरी ली के बिल्कुल चाइल्डहुड से डिस्क्राइब कर रहा है कि देर वॉज अ स्कूल इन हिस विलेज विच हैड ओनली टू रूम्स और एक रूम था बड़े बच्चों के लिए और एक रूम था छोटे बच्चों के लिए ठीक है छोटे बच्चों का जो रूम था उसको कहते थे द इन्फेंट उसमें एक ही होम टीचर थी जो बड़े बच्चों को भी पढ़ाती थी छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और उसमें एक उसकी असिस्टेंट थी ठीक है तमाम विलेज के जो बच्चे थे इट वॉज ए कम्पल्शन फॉर देम टू अटेंड द स्कूल टिल दे ग्रो अप टू बी फोर्टीन ईयर्स ओल्ड ठीक है तो एक स्पेसिफिक एज लाइक थ्री फोर फाइव एज में दे वर सेंट टू स्कूल और उसके बाद दे वर सपोज टू स्टे इन द स्कूल अंटिल दे बिकम इयर्स ओल्ड अब राइटर का ओपिनियन ये है कि दे डिड नॉट लर्न एनी थिंग इन द स्कूल स्कूल से जब बच्चे बाहर आते थे तो उनको कुछ भी नहीं आता था दिस इज वॉट द राइटर सेज एंड ही बेसिकली डिस्क्राइब्स हिज फर्स्ट डे इन स्कूल अपने स्कूल का पहला दिन वो डिस्क्राइब कर रहा है ठीक है किस तरह उसकी बहनों ने उसको ज़बरदस्ती कपड़े पहनाए शू लेसिस पहनाई उसको स्कूल लेके गए और किस तरह बड़े बच्चों ने उसको अटैक किया उसका लंच भी चोरी कर लिया और उसको खूब मारा पीटा और थोड़े दिन के बाद ही वो किस तरह वेटरन हो गया एक्सपीरियंस्ड हो गया और अपने बदले खुद लेने लग गया ठीक है कॉम्प्रीहेंशन आप रीड करेंगे मैंने आपको रिकेपिचुलेट कर दिया है मैंने आपको समराइज़ कर दिया है ठीक है मैं आती हूँ डिफ़िकल्ट वर्ड की ट्रांसलेशन के पास मैं क्यों आपको वर्ड की मीनिंग्स जो है वो उर्दू में देती हूँ इसलिए बेटा के मैं ये चाहती हूँ कि आपको अभी से वर्ड्स की ट्रांसलेशन करनी आ जाए ताकि ग्रेड नाइन और टेन में जब आपके एट एट मार्क्स के ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स और फाइव फाइव मार्क्स के अलोंग विद दो मार्क्स फाइव फाइव मार्क्स के ट्रांसलेशन सेंटेंसेस हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है

स्मरिंग ध धुआारे तजर्बे तजुर्बेकार, वेन लव आपने सुना होगा ना एमच्योर और दो है दो तरह की कैटेगरीज होती हैं अक्सर गेम्स के अंदर तो वेटरन वो लोग होते हैं जो उम्र के बड़े हो चुके होते हैं जो तजुर्बेकार हो चुके होते हैं और उनको पता होता है कि किसी भी मसले को या किसी भी प्रॉब्लम को कैसे डील करना है ठीक है तो यहाँ पे लॉरी ली को पता चल गया था कि इस मसले या इस प्रॉब्लम को उसने कैसे डील करना है कॉल्ड अ वेटरन ठीक है कहानी रिकेपिचुलेट की मैंने आपको वर्ड ट्रांसलेशन की अब क्या शुरू होते हैं अब होते हैं क्वेश्चन आंसर लेट्स मूव ऑन टू बोर्ड द नेक्स्ट बोर्ड और उसमें मैं आपको साइड बाय साइड जो फर्दर कहानी है वो एक्सप्लेन भी करूंगी और उसके हम आंसर्स भी लिखेंगे alright as you can see on the board tk first question is wo reading for understanding hai, hai? many again as usual in all my lectures what do i do i write only the helping words i've written the helping words on the board you have to phrase out the complete answer right so the first question is the humor in the story depends upon the little boy's misunderstanding explain alright in the fourth paragraph what happens when when the little boy came back home and his mother asked him how was your day he was very upset first he didn't answer and then when the mother told him to give him the reason why he is so upset he refused to go to school and the reason behind his refusal was that his teacher told him to sit in that room for present and then she will come back again now the present over there was used as a tense time period बट ही एक्सेप्टेड इट एज ए गिफ्ट वो ये समझा के उसको गिफ्ट मिलने वाला है ऑल दो दीचर सेट दैट ही उधर बैठ जाए और फिर उसको वो बाद में उसकी सीट फिक्स कर देंगे और वो सारा दिन अपने प्रेजेंट के इंतजार में बैठा रहा ठीक है दैट इज वाई ही रिफ्यूज टू गो टू स्कूल मैं नहीं जाऊँगा उन्होंने मुझे प्रेजेंट कहा और प्रेजेंट दिया नहीं ठीक है so, सो दिस इज वाई This is why this word present has created a confusion. It was over there used as a verb and he thought that it was being used as a noun. The next question is, what kind of education did the children receive in the village school? As in the writer's word, as in the words of the author, the students did not learn anything at all. When they would leave the school, they would only know a jumbled up list of words, a jumbled up image of wars, and a dreamy image of world's geography. So, history and geography was the only thing that was being taught, and in the words of the author, he would say that they would learn only the jumbled up words or the jumbled up images of the war and the dreamy image of world's geography, right? How do you know that Laurie was reluctant to go to school? In the second paragraph, last few lines, in the beginning of the second paragraph and by the end of the second paragraph, you will see how his sisters were dressing him. They were actually forcing him to wear a bundle of scarves and tying his shoelaces and thrusting the cap on his head. And they were forcing him to go to school while he was saying he was constantly refusing that he was too young to go to school. Secondly, it was not his time to go to school, and he cried and cried and cried and he threw tantrums that whatever he could have thrown, whatever he could have done, whatever was in his powers, he did all that in order to refuse to go to school. Right? The next question is how did lori's sister frighten their little brother into going to school third paragraph hai ye, hai? third paragraph me lori kichu If hehe school nahi gaye, kya hoga? Hai? the lori's sisters told him that the boys who do not go to school are put into boxes and then later on they are turned into rabbits and when the sunday comes they would get chopped on sundays so, this is how Laurie's sister scared him into going to school by telling him that if he will refuse, he will be put into a box, he will be turned into a rabbit and he will be chopped down on Sundays. This enabled Laurie to go to school. Question number 5, what happened to Laurie in the playground? A playground ka jo scene hai, wo paragraph 3 mein bahut detail mein explained hai. Lori stepped into the playground. What happened? Everybody looked into Lori since he was the first person. Like it was his first day into school. So everybody crowded array against him. The playground actually looked like a rodeo. Rodeo kya hota hai? wo field just cowboys or bulls. The cowboys actually hunt bulls. Theek hai? Wo jo पूरा एरेना होता है ना वो रोडियो कहलाता है जिसके अंदर कॉप बॉयज होते हैं बुल्स होते हैं और बुल फाइटिंग हो रही होती है तो द राइटर इज़ कंपेयरिंग दैट रोडियो विद द प्ले ग्राउंड ऑफ ए स्कूल एंड ही सेट दैट ऑल ऑफ दोज वर द कॉप बॉयज एंड आई वॉज लाइक द बुल हुम एवरीबडी चेज्ड द स्क्री हिज नोज दे पोक दे पंच ऑफ हिस् हेयर दीथिंग लाइक ही से ग्रेट फ्लू इन टू हिस्स लाइक श्रापनल ग्रिट क्या है उसके मुंह पे उड़ी के उसको रेत की तरह अपने मुंह पे चुपती हुई महसूस हुई ठीक है ही वॉज इन सर्कल्ड ग्रिट फ्लू ऑन हिज फेस लाइक श्रापनर ही वॉज प्रॉडेड प्रोडिंग क्या होती है ऐसे मारना ठीक है प्लग हिज कैप वॉज प्लग People screw his nose and his potato, the baked potato which he had on his back pocket was stolen. Okay? It was his lunch. A baked potato in his back pocket was his lunch and it was stolen. So, this is all that happened to Laurie in the playground. Let's move on to the next question. Why does Laurie refuse to go back to school? Again, the first question, remember the first question. Laurie misunderstood the word present to be a gift right that is why he refused to go to school as he thought that his teacher has promised to give him a present and she had refused to do so how does laurie's attitude to school changed in the last paragraph you get to see that laurie explains that he turned into a veteran within no time veteran experienced he learned how to protect himself and if somebody

बीड्स के ऊपर अब बीज क्या होते हैं एक लकड़ी के फ्रेम में जो बीज लगे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं एबकस तो वो उनको एबकस यूज करना सिखाती है अब इसमें इस, इस लाइन में उस टीचर की भी मचोरिटी दिखाई जा रही है जो को एज अ हाप यूज कर रही है ठीक है एबकस इज यूज फॉर एडिशन एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट तो यहां पर उस टीचर की भी इन एक्सपीरियंस बयान किया जा रहा है कि द टीचर वॉज वेरी एक्सपीरियंस इवन शी वॉज यूजिंग एबिकस एज अ हाफ एंड शी टॉक लॉरी टू यूज दैट सेम एबिकस एज अ This दिस इज हाउ शी helped हेल्प लॉरी इन academics. Like she leaned against him and she guided his wandering fingers onto the abacus. अब उसके बाद आता है आपका रीडिंग फॉर डिटेल इस रीडिंग फॉर डिटेल में आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो लाइंस हमने जो एक्सप्लेनेशन दी गई हैं इनको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में किस वर्ड या किस फ्रेज से एक्सप्लेन किया गया है बेसिकली ये फ्रेजेस की एक्सप्लेनेशन है ठीक है द चिल्ड्रन डिड नॉट रिमेंबर फैक्ट्स फ्रॉम देयर लेसन ये किस तरह एक्सप्लेन किया है राइटर ने कितने खूबसूरती से राइटर ने कहा है कि वुड लीव, लीव तो द स्कूल दे वुड नो नथिंग अ अप लिस्ट ऑफ नॉर्स एंड अ ड्रीमी इमेज ऑफ वर्ल्ड जोग्राफी रिमेम्बर मैंने आपको सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में कराया था ठीक है लॉरी वॉज फ्रेज दैट टेल्स दैट लॉरी वॉज क्राइंग Boohoo actually has no meaning. This is an umanotopia The sound is used to explain what the writer was doing. Okay? So Laurie was crying. Boohoo. Laurie was little. It's mentioned in the paragraph where he was in the playground that he was just three feet tall and the others were huge around him. Okay? The other children appeared wild. The playground roared like rodeo. रोडियो वो एरेना है जहां बुल फाइटिंग होती है ठीक है सो ऑल द चिल्ड्रन अपियर वाइल्ड द अदर चिल्ड्रन सीम बिग फ्रेज यूज हुआ है यूज बॉयज एंड गर्ल्स फॉर लॉरी ओनली थ्री फीट टॉल द अदर बॉयज ऑब्वियसली फोर और फाइव फीट टॉल एर सीम्ड यूज लॉरीज टेम्प वॉज अबाउट टू बर्स्ट आउट By the end of the third paragraph, it is mentioned that Laurie felt a smouldering temper burning up in his body. Smouldering temper means dhuha temper. So iska matlab hai iska sabr par ho chuka tha. Laurie grew tougher. Last paragraph ki first lines mein likha hai ke within a while I felt like a veteran. Theke? And I was about... Protect myself, I became ruthless. If somebody would take my lunch, I would swipe it off for an apple or something less. Okay? This is the last paragraph explained. So he turned into a veteran and he became ruthless in the last paragraph. This is all for reading for comprehension and reading for detail. We'll move on to the next board and see what the next question is all about. Alright, on this board, the question says you have to explain these phrases. I've written the phrases on the board and I will do the oral explanation with you. Alright, you have to write it down your own self. Improve your English, learn to write your own self learn to have your own expression okay? the question is the playground roared like rodeo what does this mean it means that there was complete chaos in the playground it means that everyone was acting wildly it means that there was no discipline in the school so everyone was acting as if they were wild without any supervision without any discipline right your next phase is grit view on my face like shrapnel. This explains how the atmosphere or how the weather or how the air was in the playground. Obviously, when there are so many students, when there are so many children running and the playground is not grassy at all, it is all a muddy playground. Then the mud would fly in the air and it would fall on the faces like. शार्पन और लाइक द रेत ठीक है स्पन में राउंड लाइक अ टॉप ऑब्वियसली वॉज ओनली थ्री फीट ऑल राइट एंड लाइक दिस हाउ डज अ टॉप मूव लट्टू कैसे मूव करता है ऐसे करता है ना मूव अपनी जगह पे उसका एक सेंटर होता है और वो सेंटर के ऊपर ही अपनी जगह पे मूव करता है तो इस तरह से दिस स्पन हिम राउंड एंड राउंड वाइल ही एट हिस्स place i felt like a veteran he felt like he was experienced he felt as if he could undergo all the hardships as if he could face all the hardships and he could be the winner he could come out triumphantly from there a young teacher played like a harp again i've explained it to you that she was unskilled she did not know how to Use the abacus. So she used the abacus like a harp. This phrase is basically telling you the teacher's skill, which were not there at all. Last question is on page number 245 when you have to construct sentences. up uh, this question is related to the word present. Present word when you it was used as the verb, but the writer Laurie understood as a noun. उसने उसको एज अ नाउन लिया ठीक है तो ये आपके पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें मैंने वो वर्ड हाईलाइट किया है जो दो डिफरेंट जगहों पे दो डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल हुआ है आपने उनको ऐसे इस्तेमाल करना है आपने ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं कि उनकी जो मीनिंग है वो वाजे हो जाए वो क्लियर हो जाए कैसे अ गेम ऑफ क्रिकेट आई ऑलवेज लव वॉचिंग अ गेम ऑफ क्रिकेट आई लव प्लेइंग The game of cricket every Wednesday. Okay? Or a cricket in the grass. A game of cricket or cricket in the grass. Difference, what is cricket? What is cricket? Didi. Okay? So, I couldn't sleep the whole night because the cricket in the grass was making a lot of noise. Okay? A dear friend. Dear is used as an adjective over here to describe what sort of a friend he was. He was a dear friend. Ali is my dear friend. I can do anything for my dear friend Sara. too dear. He is too dear to me that I cannot bear him suffering from anything. This toy is too dear to me. I cannot give it away. Dear friend or too dear? Difference?

अ वीकेंड ट्रिप एंड ट्रिप ओवर द स्टेप वीकेंड ट्रिप क्या है एक नाउन है जो वीकेंड पे आपने ट्रिप या प्रोग्राम प्लान किया है उसको डिनोट कर रहा है और ट्रिप ओवर द स्टेप क्या होता है ट्रिप यहाँ पे गिरने को कह रहे हैं सीढ़ियों से गिरने को ठीक है वी हैव प्लान अ वीकेंड ट्रिप ऑन द अपकमिंग सैटरडे एंड आई ट्रिप्ड ओवर द स्टेप्स एंड फेल वेरी बैडली आई वॉज हर्ट वेरी बैडली वेन आई ट्रिप्ड ओवर द स्टेप्स टू प्ले इन द बैंड एंड अ पिंक हेयर बैंड दोनों बैंड नाउन है ठीक है एक बैंड वो है जो ग्रुप होता है जैसे वाइटल साइंस था जैसे जो नोन है ठीक है और एक बैंड वो है जो आप अपने बालों पर लगाते हैं ठीक है तो इट्स माई विश इट्स माई ड्रीम टू प्ले इन द बैंड विद्स ठीक है माई लिटिल सिस्टर इज वेयरिंग अ पिंक हेयर बैंड लास्ट पॉट ऑफ जैम एंड ट्रैफिक जैम पॉट ऑफ जैम भी आपको पता है और ट्रैफिक जैम भी आपको पता है दोनों का पता है इनको सेंटेंसेस में कैसे करेंगे? Me, और आई वॉज टक इन दैफिक जैम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है ग्रेड नाइन में रिगार्डिंग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और फाइव मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है ग्रेड टेन में रिगार्डिंग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इट्स नॉट दैट कि आई कीप ऑन टेलिंग यू अबाउट ग्रेड नाइन एंड टेन एंड यू शुड रिलैक्स इन ग्रेड एट अभी भी आपका फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बारे में तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल ओवर लुक नहीं करना ये फ्रेजेस हैं जिसमें डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स में यूज हुए हुए हैं हमने पिक किए हैं वो सेम वर्ड्स जो बिल्कुल सेम हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम है लेकिन वो दो जगहों पे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से यूज़ हुए हुए हैं और हमने उनके सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए कोई रीकैप आज हमने क्या किया आज हमने किया यूनिट नाइन ऑटोबायोग्राफी लाइफ इन द विलेज स्कूल ठीक है हमने उसको जाना हमने उसकी स्टोरी सुनी हमने क्वेश्चन आंसर्स किए रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहशन किया रीडिंग फॉर डिटेल किया फ्रेजेस को एक्सप्लेन किया, और हमने डिफरेंट यूजेज ऑफ सेंटेंसेस, लाइक वर्ड्स विद डिफ़रेंट नेचर के सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए ये सारा पैराग्राफ ये सारा काम आपने अपनी नोटबुक्स में करना है जब तक के मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है ये काम सारा कंप्लीट हो जाए ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज